व्हाइट फूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये रिसेंटली न्यूज़ में है। व्हाइट फूड क्या होता है? ऐसा फूड होता है, ऐसा भोजन जो प्रोसेस्ड हो और रिफाइंड हो। कहने का ये मतलब है, जैसे मान लो व्हीट का फ्लोर है, गेहूं का आटा है, आटा जिससे आपके सबके घरों में रोटी बनती होगी, उसे क्या कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, मतलब बहुत ही बारीक पीस लेते हैं, इसे ग्राइंडिंग कर लेते हैं, बहुत ही बारीक ग्राइंडिंग कर लेते हैं और इसे छान लेते हैं। रिफाइंड का मतलब बहुत ही छान लेते हैं, बहुत ही बारीकी से। कहने का मतलब इससे मैदा बना देते हैं। मैदा, मैदा तो सुना ही होगा आपने, मैदा के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये रिफाइंड व्हीट फ्लोर में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोसेस्ड और रिफाइंड करके, या फिर राइस को प्रोसेस कर या रिफाइंड कर लें तो वाइट राइस हो गए। ये वाइट फूड के एग्जांपल हैं, रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी कि मैदा, वाइट राइस हो गए, वाइट ब्रेड हो गए जो ब्रेड वगैरह खाते हो आप, वाइट पास्ता हो गया, सिंपल शुगर हो गई, ये वाइट रिफाइंड शुगर, या हनी हो गया, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हो गया। हनी जो क्या है, जिसमें प्रोसेस्ड कर देते हैं, रिफाइंड कर देते हैं, ऐसे हनी आते हैं जो नेचुरली, हनी अलग होता है और रिफाइंड और प्रोसेस हनी अलग होता है। तो ये सब वाइट फूड्स में आते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी कंपनी हैं जैसे बेकरी इंडस्ट्रीज या कॉन्डिमेंट इंडस्ट्रीज। बेकरी उनको बोलते हैं जो बिस्किट या केक्स वगैरह बनाती है, ऐसी इंडस्ट्रीज। कॉन्डिमेंट वगैरह, मसाले वगैरह जो बनाती हैं, कॉन्डिमेंट, वैसे अजवाइन को भी बोलते हैं, अजवाइन जानते होंगे आप, सबके घरों में होती है। मसाले बनाने वाली इंडस्ट्रीज या बेकरी जो होती है इंडस्ट्रीज, वो भी रिफाइंड फ्लोर वगैरह का, व्हीट फ्लोर और वाइट शुगर वगैरह का ज़्यादा यूज कर रही हैं और बहुत ज़्यादा इन इंग्रेडिएंट में बढ़ गया है। जैसे बिस्किट बनाने में इनका मैदा का यूज बढ़ गया है, शुगर का यूज बढ़ गया है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है। इनके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? फ़ायदे तो देखो बहुत ही कम है, नुकसान ही है इनके, हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ वाइट फूड कंजम्पशन। अगर मान लो ये हाई इनटेक लिया जाए, ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड या क्रोइसेंट लिए जाएँ, जिनमें ये वाइट फूड बोलते हैं इन्हें, एक तरह से ये वाइट फूड यूज होते हैं, मैदा वगैरह से बनते हैं ना, फास्ट फूड वगैरह, फास्ट फूड बोल लो या जंक फूड बोल लो, जबकि बर्गर हो गए, पिज्ज़ा हो गया, ऐसे फूड, या क्रोइसेंट बोलते हैं फ्रेंच रोल को, रोल होता है ना, रोल आपने खाया होगा, ऐसा रोल होता है, उसमें कुछ भर के देते हैं, मैदा का बना होता है ऊपर से कुछ ऐसे टाइप का, तो ऐसे वाइट ब्रेड हो गया या चीज़ हो गया जो प्रोसेस्ड होता है और जो प्रोसेस्ड रिफाइंड होता है, ऐसे चीज़ हो गया, इनसे बहुत सारे बीमारी हो सकती है, जैसे पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल हो सकता है। ग्लाइसेमिक कंट्रोल का मतलब है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, मिनरल्स जो चाहिए, अगर लिमिटेड मात्रा में तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, और इसकी वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको खाना पीना पचना बहुत कम हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी पेट की। नेक्स्ट क्या होता है इससे, नेक्स्ट ये होता है, मान लो ऐसे शुगरी ड्रिंक्स हैं, जैसे मान लो आपके प्रोसेस्ड फूड में आता है ये भी, कोल्ड ड्रिंक हो गया आप पीते हो जो, पेप्सी वगैरह, या फिर और भी ऐसे फूड्स हो गए जो जंक फूड हैं, फास्ट फूड, इनसे क्या होगा, इनमें रिफाइंड शुगर और वाइट गुड्स वगैरह यूज होते हैं, इनसे ओबेसिटी बढ़ सकती है, मतलब मोटापा, एब्डोमिनल फैट, पेट पे फैट बढ़ जाएगी, चर्बी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है आपको, हार्ट डिसीज़, दिल की बीमारी हो सकती है, कोई हार्ट अटैक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो शुगर जिनमें ज़्यादा होती है उनसे, इनमें इंसान को एसोफिजियल एडनोस कार्सिनोमा हो सकता है, एसोफिजियल कार्सिन एडोनो कार्सिनोमा हो सकता है, ये डिसीज़ होती है कैंसर डिसीज़, थ्रोट में जो गले में कैंसर हो जाता है उसी को बोलते हैं एसोफिजियल एडोनो कार्सिनोमा, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कैंसर होता है, जो छोटी आंत होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनमें कैंसर हो सकता है, या प्लूरल कैंसर हो सकता है आपको, ये इस तरह के कैंसर हो सकते हैं इनसे, वाइट फूड से अगर ज़्यादा मात्रा में खाए जाएं। आपको पता है पिंक, ब्लू और ब्लैक साल्ट होते हैं, इनके साथ साथ वाइट साल्ट भी, जो वाइट सफ़ेद नमक होता है, ब्लैक साल्ट के साथ, ब्लू पिंक साल्ट के साथ, नमक के साथ, ये वाइट साल्ट भी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, असेंशियल होता है, लेकिन अगर वाइट साल्ट जो सफ़ेद नमक है वो ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो इसके नेगेटिव हेल्थ इम्पेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये वाइट फूड होते हैं ना, प्रोसेस्ड करते हैं, इनमें वाइट नमक का यूज करते हैं, और अगर ये ज़्यादा मात्रा में खाए जाएँ इनसे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपका बीपी हाई हो सकता है अगर वाइट नमक ज़्यादा खाया जाए तो, लिमिटेड मात्रा में ही खाया जाता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और फिर कमज़ोर होने के बाद टूट जाती हैं हड्डियाँ, देखा होगा आपको बुढ़ापे में क्या है, बहुत सारे लोगों की हड्डियाँ होती हैं टेढ़ी हो जाती हैं, वो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है उनको, वो बहुत सारे कारण होते हैं जिनमें एक होता है वाइट टेबल साल्ट होता है, जो सफ़ेद नमक होता है वो ज़्यादा खाने की वजह से हो जाता है, तो बैलेंस फूड होना चाहिए। कुछ हेल्दी वाइट फूड्स भी हैं, कुछ ऐसे हैं वाइट फूड जो लाभदायक भी हैं, फ़ायदे भी हैं जिनके, जैसे कॉलीफ्लेवर होती है, कॉलीफ्लावर होती है गोभी, गोभी को बोलते हैं, ऑनियन, गार्लिक, रेडिस, ऑनियन, प्याज, गार्लिक, लहसुन,
रेडिश होता है मूली, मशरूम होता है आपका, कैशू होता है, सीसम सीड्स होता है, ये जो होते हैं तिल वगैरह के सीड्स वगैरह, ये कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं जो वाइट फूड्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ सजेशन है इनके अवॉइड करने के, वाइट फूड के कंजम्पशन को, कि आपको अवॉइड करने चाहिए। जैसे वाइट ब्रेड हो गया, या इसको जगह पे वाइट ब्रेड की जगह पे आप मल्टीग्रेन ब्रेड आते हैं उन्हें ले सकते हो, व्हीट के होल व्हीट के ब्रेड आते हैं उन्हें खा सकते हो, ओट्स ले सकते हो। ओट्स आते हैं, इनमें फाइबर ज़्यादा होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिंक वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वाइट शुगर की जगह आप यूज कर सकते हैं फ्रूट, आप फल खा सकते हो वाइट शुगर खाने के बजाय। नेक्स्ट आप क्या है, जो साल्ट है, वाइट साल्ट है, अदर साल्ट है, इनको रिप्लेस कर सकते हो हर्ब और मसाले से। स्पाइसेस वगैरह होते हैं ना, इनको डिज़ायर्ड फ्लेयर देने के लिए आपके खाने में स्पाइसेस या अलग मसाले या हर्ब वगैरह यूज कर सकते हो। वाइट सॉल्ट की जगह ज़्यादा मात्रा में यूज़ ना करते हुए स्पाइसेस वगैरह यूज कर सकते हो। तो यही था बस इस लेक्चर में।